अच्छा जी, जब भी आप तैयार हैं। तो हर वक्त तैयार है। तैयारी आपकी, तैयारी का इंतजार हो रहा है। तैयार हाँ, ऐसी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह सारे एंजॉय करेंगे वो तैयारी। खुफिया प्लानिंग हो रही है यहाँ पे कोई? भाई साहब सलाम अलैकुम। अब कोई चीज़ खुफिया छोड़ते ही नहीं है। ये कौन लोग हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया। आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया। तो 24 के करीब मुकदमात में जमानतें आप ले चुके हैं, अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा। अभी क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी? यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में। तो कौम तो इधर खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 22 अक्टूबर शायद, यस, और दिन है सैटरडे का। तो इस वक्त मैं बनीगाला के रास्ते पे जा रहा हूं। वो जो पीछे लाइट जल रही है उसको इग्नोर मारें, पता नहीं कैसे जलती रहेगी। अब मैं कहीं उतरूँगा तो फिर कर दूँगा उसको ऑफ। तो बनीगाला के रास्ते पर हूँ क्योंकि इमरान खान साहब की एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मेरे माइंड में ये चल रहा है इस टाइम, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि खान साहब क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार यार भाई वालों को मुझे कोई 100-200 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल देना चाहिए, जितने मेरे चक्कर लगते हैं बनीगाला के। तो आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट को ज़्यादा फ्यूल देना चाहिए? मुझे वैसे मिलता है 100 लीटर के करीब तो देते हैं, बट जितने मेरे चक्कर लगते हैं, बनीगाला एक कॉर्नर पर है, मेरा घर दूसरे कॉर्नर पर है, तो ऑल द वे जो ये सारा कुछ रहता है। तो मुझे लगता है कि आज मैं बॉस से बात करूं कि बॉस थोड़ा फ्यूल और बढ़ाए। एनीवेज मजाक कर रहा हूं। या हाथ में पकड़ के मोबाइल ऐसे शूट नहीं करता, कुछ लोगों को लगता है कि शायद एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूं और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा, ऐसा नहीं है, वो सामने फिक्स है। बाकी आप लोगों का कंसर्न जो रहता है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कभी कभी थोड़ा इग्नोर कर दिया करें। एनीवेज कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो वो भी आपको दिखानी है, बाकी शूटिंग बनीगाला के अंदर जाके। ओके ओके जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं बनीगाला और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, बिकॉज़ टाइम जो बताया गया था वो हो गया। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी हैं, जी 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 सर जी, अब्दुल कादिर यार भाई से, अब्दुल कादिर यार भाई से, थैंक यू जी। ओके जी, तो हम फाइनली एंटर हो गए। यहाँ पर दो DSNGs हैं, ARY से खान साहब की स्पीच लाइव जाएगी, हम न्यूज़ पे शायद उनका कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, नशर हो रहा है, और सामने आप देख पा रहे होंगे हमारे रिपोर्टर दोस्तों को, ये यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर इमरान खान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उनके इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल हैं, कैमरा वैमरा लग रहा है, यहाँ पर हमारी जो टीमें हैं वो पूरे इंतजाम कर रही हैं। मीनवाइल आप जर्नलिस्ट को देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। खुफिया प्लानिंग हो रही है यहाँ पे कोई? भाई साहब सलाम अलैकुम। अब कोई चीज़ खुफिया छोड़ते ही नहीं है। हमारा एक दोस्त अब्दुल कादिर, हम उसके बारे में बात कर रहे थे यार, वो मिलता नहीं है, मतलब टाइम नहीं देता। आजकल तू जिन हवाओं में है छोड़ दे बस, तेरे पे एक व्लॉग हो गया पूरा। व्लॉग कर दिया, मैंने पूरा इसकी शादी पे व्लॉग किया, ये बनी गाला में उसने व्लॉग कर दिया। अम्मी मुझे दिखा रही है सपोर्ट के, अम्मी मुझे कहती है देख अब्दुल कादिर ने तेरे बारे में क्या कहा। इस तरह कुछ चीज़ें ना, वो अच्छा नहीं, इसने मेरे ऊपर परसों, मैंने उनको कहा कि पिंडी चलते हैं ना, वो आप भी थे, मैंने कहा कि नहीं फिर कर लेंगे, तो कादिर तो साथ गया। अब ये मेरी ड्राइविंग के ऊपर इसने व्लॉग कर दिया है। और मैं बताना भूल गया था कि आपके ड्राइविंग स्किल ज़बरदस्त है, आप पास हो गए थे उस दिन। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी, बस कादिर ने पास कर दिया, तो इसका मतलब है कि ओके जी। तो इमरान खान साहब का इंटरव्यू ख़त्म हो चुका और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुँच गए। मुबारक
अच्छा जी, जब भी आप तैयार हैं। हम तो हर वक्त तैयार हैं। तैयारी करें आपकी तैयारी का इंतजार हो रहा है। तैयार हैं, ऐसी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह सारे एंजॉय करेंगे वो तैयारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कि एक और मुकदमा आपके ऊपर हो गया है, आप कहते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, अभी एक दामे कत्ल वाला रह गया था थाना सेक्रेटेरिएट में, वो भी हो गया है, तो 24 के करीब मुकदमात में जमानतें आप ले चुके हैं, अब ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा आपकी? जब तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी तो आपको तो ये पकड़ने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, नया नया मुकदमा दर्ज होता रहेगा, अभी इलेक्शन कमीशन वाला भी बाकी है, ये जो नया हुआ है थाना सेक्रेटेरिएट में, इसमें क्या अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो ये लॉन्ग मार्च नहीं होगी, यानी क्या लोग चुप करके बैठ जाएंगे? वो तो देखें, इस वक्त ये है कि हम मुनज़म तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम कौम को इकट्ठा करते हैं, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए, ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो 55 जलसे हुए हैं जो मेरे 5-6 महीने में, ये चैलेंज करता हूँ कोई ज़रा देखे इतने बड़े कभी जलसे हुए हैं पाकिस्तान में, तो कौम तो इधर खड़ी है, तो क्या ये चाहते हैं कि मुनज़म तौर पर एहतजाज हो, या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ चला जाए या कैओस हो जाए? क्योंकि दोनों होना, अगर ये मुनज़्ज़म जल्द एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो कैओस हो जाएगा, कौम तो तैयार खड़ी है, कौम तो ये मुल्क ही बंद हो जाएगा, तो ये फैसला कर ले क्या चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने सर जो कहा है कि हम इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ की उसका वो तो कहते हैं डिक्की में बंद करके वो जाके उसको आर्मी हाउस लेके जाया करते थे, जाजुल हक का अभी स्टेटमेंट आई है कि डिक्की में छुप के ये इसको लेके जाते थे, इससे मैं क्या बात करूंगा जी। अच्छा खान साहब, आप भी बट फ्रॉम जीएनएन से, सर मेरे दो सवाल हैं आपसे, पहला सवाल के सेनेटर सैफुल्ला नियाजी, उनके हवाले से भी आपकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद पीटीआई का कोई बयान नहीं आ रहा, आया वो घर वापस आ गए हैं, कहाँ पर हैं, कोई तहरीक इंसाफ के वो ज़ाहिर सीनियर रहनुमा हैं, और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला आया है, क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत का दबाव है या किसी और का, क्योंकि आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की मैं सीधी आपको बात बता दूँ, ये इतना बुजदिल आदमी है, क्योंकि जो इखलाकी तौर पे आदमी कमज़ोर होता है ना, वो होता ही बुजदिल है, इसके केसेस भी हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी था तब से भी इसके ऊपर कहानी है, तो ये तो खुद फैसला कर सकता ही नहीं था, ये जो फैसला है ये खुद कर ही नहीं सकता था, ये इसको पीछे से हुक्म मिला है, अब पीछे से हुक्म खैर शरीफ ख़ानदान का तो सबको पता है, उनका घर का ये नौकर है, लेकिन और किसने इसको पीछे से बूट लगाया है, ये अब ये देखने वाली बात है, ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं फैसला कर सकता था। सैफुल्ला नियाज़ी साहब के बारे में, सैफुल्ला वो असल में हम अपनी मार्च की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो हम कई लोगों को चाहते हैं कि वो अंडरग्राउंड रहें तब तक जब तक वो सैफुल्ला नियाज़ी साहब आपके पास ही हैं, अंडरग्राउंड है जी। सर लॉन्ग मार्च के हवाले से आप बार बार कहते हैं कि कौम तैयारी करे, प्रिपरेशन करे, सर क्या प्रिपरेशन है, कैसा लॉन्ग मार्च होगा, क्या कोई नया सरप्राइज होगा इसके ऊपर? मुख्तलिफ होगा बाकी मार्चेस से, बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, हम स्पेशलिस्ट हैं मार्चेस के, हमें पूरा तजर्बा है इसका, लेकिन मुझे जो इसमें सबसे बड़ी इस बारी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने कौम की कभी बेताबी नहीं देखी मार्च के लिए जो इस मार्च की है, यानी मैं क्योंकि मैं तो अपने एक अंदाज अपनी पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा हूँ ना, लेकिन कौम इस वक्त बेताब है, हर जगह से मुझे लोग कहते हैं कि जी अब कब निकल रहे हैं, आम लोग, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम बहुत तंग है इनसे, तो वो इंशाल्लाह वो आप देखें, मेरा ये अंदाज़ा है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है, मेरे नहीं ख्याल में इससे बड़ा कभी प्रोटेस्ट पाकिस्तान की तारीख में होगा। सर उमर टीवी से, सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके खिलाफ फैसला आने पर सड़कों पर निकले, और आपके जो बहुत ज़्यादा जो आपके लोग हैं कारकुन हैं, वो शायद यही समझ रहे थे कि अब हम रोड्स पर आ गए और अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, आप सर 25 को भी नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो, अभी बातचीत का अगर आगाज़ हुआ है किसी स्टेज पर, तो क्या आप ये चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, ये बातचीत से मसला हल हो जाए? देखिए, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, ये मैं आपको बता दूँ, मेरी 26 साल की पॉलिटिक्स में सारा कुछ मैंने आइन और कानून के दायरे में बैठ के किया, तो ये मैं आपको कह दूं कि हमारी मार्च में कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, बल्कि बड़ा लोग एंजॉय करेंगे इसको, मैं ये भी आपको कह दूं।
फैमिलीज आएंगी इसमें, हर यानी लोग हर किस्म की पार्टिसिपेशन शहरियों की होगी और लोग इंजॉय करेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होगा ये, लेकिन इसमें हम किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होने देंगे और हमें पूरा पता है तैयारी हमारी क्या है, वो मैं पूरा आपको नहीं अभी बताऊँगा क्या क्या करना है। इंशाल्लाह जब मैं अनाउंस करूँगा ना डेट उसकी लॉन्च मार्च की, ये मैं या जुमेरात या जुमे को करूँगा इसकी डेट, और उसके बाद बस फिर आप इसकी आपके सामने ये मार्च की डिटेल्स आती रहेंगी। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात यानी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं कर रहा, मैं ये एक पाकिस्तानी होते हुए कर रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ होते हुए जब से ये जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसलत किया गया है, एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसलत किया गया है, जो 30 साल से कौम जानती है कि इन्होंने किस किस्म के जुर्म किए हुए हैं हमारे मुल्क से, और ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है सारे बाहर भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ से चोरी करके पैसा इन्होंने अरबों डॉलर बाहर रखा हुआ है, तो इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क ऊपर जाए नीचे जाए, इनका पैसा तो बाहर महफूज है, और अगर रुपया गिरता है मईशत नीचे जाती है तो इनको तो फ़र्क नहीं, इनके तो डॉलर्स में पैसे पड़े हुए हैं। तो जब से ये आए हैं इन्होंने क्रश करने की कोशिश की मेरी पार्टी को, इन्होंने सोचा कि यहाँ तो जब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, इन्होंने ख़ुद इतनी प्रोपेगेंडा की और अपने उस मीडिया के साथ मीडिया हाउसेस के साथ मिलके और उन सहाफ़ियों के साथ मिलके कि इससे बुरी हमारे से बुरी गवर्नमेंट थी कोई नहीं और हम तो लोग तो तंग हैं और जब जैसे ही हमें निकालेंगे तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, तो जब वो नहीं हुआ और जो पब्लिक निकला ही हमारे साथ तो इनको खौफ आना शुरू हो गया कि ये हुआ क्या, कि इन्होंने जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था कि यहाँ तो मुल्क तबाही के किनारे पे खड़ा है और लोग खुश होंगे, तो जब लोग हमारे लिए सड़कों पे निकला है और उसके बाद जब हमने एहतजाज किया तो उस एहतजाज में जो इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर वो हमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो ये तो कोई जमहूरियत से ताल्लुक़, इनको तो सिर्फ जमहूरियत याद आ जाती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। इन्होंने जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए, लोगों के घरों में घुस के दो दो ढाई ढाई बजे लोगों के रात को घरों में घुस के इन्होंने जो लोगों को मारा, और बाद में जब पुलिस से पूछा तो इन्होंने कहा जी हमें पीछे से ऑर्डर आए हुए थे ये करने, और उसके बाद इन्होंने जो उस दिन यहाँ टेयर गैसिंग शेलिंग की, लाहौर में शेलिंग की जबकि लिबर्टी पर फैमिलीज आई हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हमें तब अंदाज़ा हुआ कि ये तो ये यहाँ कोई हम जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ये तो एक माफिया है अपने आप को बचाने के लिए अब हर चीज़ करेगा हमें क्रश करने के लिए। लेकिन जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं उसके बाद, क्योंकि हम इलेक्शंस भी जीत गए, बाय इलेक्शंस हुए, यही इनका इलेक्शन कमिश्नर था, इसने पूरी धांधली की इनके साथ मिलके, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब की वो हम जीत गए, अब फिर इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ मिलके हल्के चुने जिधर हम कमज़ोर थे, वो जब इलेक्शन हुआ हम उधर भी जीत गए, सिंध के जो कराची के अंदर उन्होंने धांधली की वो सारी कौम के सामने है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये साथ मिले हुए हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ आपके सामने रखना है वो ये कि जो इन्होंने तरीके अख्तियार किए हैं, ये कभी मैंने पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें नहीं देखी। सुना है दहशतगर्दों से ऐसे करते थे, सुना है कोई बहुत बड़े जो मुजरिम जो हों जिनके जो बार बार जुर्म करें शायद उनसे करते हों, ऐसी चीज़ें हमें नहीं पता, शायद कोई हिंदुस्तान का कोई जासूस हो या वो उससे कोई करते हों, लेकिन मैंने यहाँ पॉलिटिकल लोगों से इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखा, और ख़ास तौर पे वो जो डेमोक्रेटिक दौर है मैंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। इन्होंने पहले शहबाज़ गिल से जो किया और मेरे ऊपर तकरीबन कंटेम्प्ट भी लग गया उसी के ऊपर, लेकिन मेरा क्यों मैंने रिएक्ट किया क्योंकि मुझे जब चीज़ें पता चली कि शहबाज़ गिल से उन्होंने किया क्या कितना तशद्दुद किया, जंसी तशद्दुद किया, यानी नंगा करके एक अच्छा, और वो है कौन, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द है, तो मैं पहले तो मैं मेरे से माना ना जाए,
फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिले हैं, जब उन्होंने चीज़ें मुझे दिखाई तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। तो फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आज़म स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि। और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले ले तो शायद आज़म स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ।